हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी काली मसूर की दाल। हम इसे काली माश की दाल भी कहते हैं और बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है, बहुत ही मज़े की दाल। तो आम भी पुदीना वगैरह डाल के मैंने ये दाल बनाई है। चलिए कैसे बनाते हैं हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दाल ले ली है और इसे भिगो लिया है, और साथ ही इसके ले लिए मैंने आम भी ले ली है, टमाटर ले लिए हैं और हरी मिर्चें, लहसुन। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर रख दिया गैस पे, इसमें हम अपनी दाल डाल देंगे जो भीगी हुई दाल है। दाल को भिगो लेंगे तो जल्दी से पक जाती है दाल और गैस कम खर्च होती है। फ्रेंड्स, ये दाल ना आप चावल के साथ, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दी हरी मिर्चें जो मैंने स्लिट करके रखी हुई हैं, साथ ही एक टमाटर जो था ना मैंने उसे काट लिया रफली, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसी के साथ थोड़े से सूखे मसाले इसमें डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अनुसार हम डाल देंगे। ज़्यादा मसाले नहीं है और फिर भी देखिए कितने अच्छे से ये दाल हमारी बन के तैयार होती है। अब इसमें थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप खाली अदरक काट के डाल सकते हैं, उससे भी इस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे हम अदरक लच्छों में काटते हैं ना दाल मखनी में, आप ऐसे उसको डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। तो अब मैंने जितनी दाल ली थी उसका डबल मैंने पानी कर दिया है। एक कटोरी दाल थी तो दो कटोरी मैंने पानी करीब इसमें कर दिया है। अब इसको हम पकने रख देंगे। अभी हम इसमें और चीज़ें नहीं डालेंगे। अब दो सीटी मैं इसकी फुल पे लूँगी और दो सीटी हाफ पे लूँगी और दाल मेरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए तब तक वेट कर लेते हैं जब तक सीटी आए। देखिए कितने दाल मेरी बन चुकी है और सीटी आ चुकी है इसमें, प्रेशर भी ख़त्म हो गया। खोल लेते हैं दाल को, देखिए कितने अच्छे से मैश हो गई दाल, कितनी अच्छी लग रही है। पानी भी मैंने जितना डाला था अब वो कम हो गया, दाल मेरी फूल के पानी को अब्सॉर्ब कर लिया दाल ने। देखिए कितनी अच्छी दाल हो गई है। टमाटर भी सारे घुट गए हैं, जो एक आध दिख रहे हो आपको आप मैश कर लें उससे, चम्मच के पीछे वाले हिस्से से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इतने पे ही इस दाल को खा सकते हैं, बट गर्मियों में एक तोहफा हमें मिलता है आंबियों का। तो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें आधा गिलास पानी मिला दिया गरम, और इसको हम अभी थोड़ा एक बॉयल दे देंगे। अब मैंने ये आंबी है जो एक साइड से आधी काट रखी है, देखिए बस इतनी ही आंबी मैंने इसमें डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। दाल आपकी जब पूरी पक गई हो, खड़ी खड़ी ना हो, तभी आप आंबी को डालिएगा, वरना दाल पकने में टाइम लगता है फिर और ज़्यादा। तो मैंने पूरी आम भी नहीं डाली है, ये दो आम भी मैंने दूसरी आम भी किसी और काम के लिए छील रखी है, तो आम भी इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, बस एक चौथाई हिस्सा ही इसमें डाला है मैंने। अब हम गैस को अपने ऑन कर देंगे ताकि हमारी आम भी थोड़ी गल जाए। और ये मैंने लिए हैं पुदीना के फ्रेश पत्ते, और मैं इन्हें थोड़ा सा काट के डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसेज इसके कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि हरे पत्तों को काटना नहीं चाहिए चाकू से, बट इसके छोटे छोटे मैं क्रशेस कर रही हूँ। जब ये छोटे छोटे मुंह में पुदीने के जो फ्लेवर्स आते हैं ना, एक बॉम्ब सा फूटता है फ्रेशनेस का, बड़ा ही मज़ा आता है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे पता है तो आप मेरे को कहिएगा नहीं। चलिए इसके तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे ज़ीरा, थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग, अगर आपकी हींग स्ट्रांग है तो कम डालें, मेरे स्ट्रांग नहीं है ज़्यादा। दो से तीन लहसुन जो मैंने लिए थे वो काट लिए हैं बारीक बारीक, इन्हें भी डाल देंगे। और एक मैंने लाल मिर्च डाली है, ये तड़का जो है ऊपर से डालूंगी मैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में।
अब लहसुन को जब तक हमारा हल्का हल्का रेड कलर ना आ जाए और खुशबू ना आने लगे लहसुन की, तब तक हम इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसको दाल में पोर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस दाल को ना गर्मियों में ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस आती है और बहुत ही टेस्टी ये दाल लगती है। देखिए तड़का मेरा कितने अच्छे से हो गया, मैंने दाल में डाला और इसको ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दाल पसंद आई हो काली मसूर की, ये इस तरीके से बना के ज़रूर टेस्ट करिएगा और मुझे अपने कमेंट करके प्यारे प्यारे ज़रूर बताइएगा कि आपको दाल कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना प्यार और साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।